आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। क्या शिवराज और अरुण यादव के बीच होगा खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव में मुकाबला? खंडवा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। उपचुनावों के परिणाम तय करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर शिवराज रहेंगे कायम या यहां भी होगा नेतृत्व परिवर्तन? मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावों का शंखनाद हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी जंग के लिए अपने कार्यकर्ताओं की सेना में चुनावी युद्ध जीतने के लिए जोश भर रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में दोनों दल किस सेनापति को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए मैदान में उतारेगी, ये अभी तय होना बाकी है। वैसे ही तो ये उपचुनाव, लेकिन ये उपचुनाव कोई साधारण उपचुनाव नहीं है, बल्कि इस चुनाव के परिणाम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और कमलनाथ दोनों का मध्य प्रदेश में राजनीतिक भविष्य तथा अनेक क्षत्रपों तथा राजनीतिक नेताओं की तकदीर और तदबीर का फैसला करेंगे। आज हम बात करेंगे खंडवा लोकसभा सीट विधानसभा उपचुनाव की। खंडवा लोकसभा सीट के लिए जहां कांग्रेस से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष श्री अरुण यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है, वहीं भाजपा में रोजाना नित नए दिग्गजों के नाम सामने आने से अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। सामान्य रूप से देखा जाए, यहां चर्चा स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान, अर्चना चिटनेस और खरगोन के पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे का नाम चर्चाओं में है। इसी के साथ संघ लॉबी से अशोक पालीवाल का नाम भी बढ़ रहा है, लेकिन पिछले दिनों भाजपा के दिग्गज राष्ट्रीय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय तथा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम हवाई गति से सामने आने से लोगों का पूरा ध्यान भाजपा के टिकट पर टिक गया। लेकिन ये तय है कि खंडवा लोकसभा चुनाव का टिकट और परिणाम दोनों दलों के अनेक दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा, ये निश्चित है। कांग्रेस ने भी हालांकि अभी टिकट की घोषणा नहीं की, लेकिन जिस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उसमें केवल अरुण यादव ही है जो इस सीट पर भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। उनका नाम संपूर्ण खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जाना पहचाना है और केंद्रीय मंत्री रहते हुए सेल्दा तथा मुंदी का पावर प्लांट सहित अनेक उपलब्धियां उनके खाते में हैं। उनके सामने निर्दलीय विधायक शेरा भैया जरूर अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी जानते हैं कि वे अब कांग्रेस में नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक हैं। साथ ही अभी भी वे कांग्रेस का टिकट मांगते हुए भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं से निरंतर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए टिकट लाना मुश्किल नजर आता है। भाजपा में किसे टिकट मिलेगा ये अभी तय नहीं। भाजपा में कुछ लोगों का मानना है नंदू भैया के बाद उनके बेटे को टिकट मिलता है तो उन्हें सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं। वहीं अर्चना चिटनेस और कृष्ण मुरारी मोघे जी भी दमखम से मैदान में हैं, लेकिन जिस तरह अभी भी कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया उससे लगता है कि भाजपा में उच्चतर पर राजनीति के कुछ नए दांव पेच भी आजमाए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे आगामी विधानसभा के पहले नेतृत्व परिवर्तन भी हो सके और श्री शिवराज सिंह चौहान को सांसद बनाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा जा सके। वहीं शिवराज के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री पद के एक प्रमुख दावेदार कैलाश विजयवर्गीय भी है, ऐसे में भाजपा का एक गुट कैलाश जी को खंडवा का चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि भाजपा से कौन चुनावी मैदान में आता है। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा से चुनाव लड़ते हैं तो अरुण यादव और शिवराज सिंह की दूसरी बार टक्कर होगी। पहली अरुण यादव ने शिवराज को उनके घर बुधनी में चुनाव लड़कर चुनौती दी थी, अब शिवराज अरुण यादव को उनके घर निमाड़ में आकर टक्कर देंगे। ऐसे में प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की निगाहें खंडवा लोकसभा सीट पर होगी। अब देखना यह है खंडवा लोकसभा सीट पर चुनावी जंग में किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी मात। चीफ एडिटर नवरत्न मल जैन की रिपोर्ट।